कोई मुझे कॉल आ रही है। मम्मी की कॉल है घर से। जी मम्मी। ओ किधर फिर रहा है तू? बाहर खेल रहा हूँ। जल्दी घर आ, अपनी पुप्पो से इतनी नहीं लेनी, वो जान लग गई है। ओके। और 500 से कम उससे इतनी नहीं लेनी, जिद मचा देनी है। कमिंग। चल जल्दी आ जा। ओके। क्या हुआ जानी? मेरी मम्मी कह रही है फूफो से ईदी ले लो 5000, मैं लेने जा रहा हूँ। चल ठीक है, बाय जानी। बाय। जा दफा हो, दफा हो। भाई खाए कुछ? नहीं नहीं मैं वालों खा के आया दोस्ता को। ये आप ले लें मेरी तरफ से। शुक्रिया। बाजी बड़ी अच्छी हो जाती है आपको देख के। बहन है मेरी, इकलौती बहन है। चलो मैं फिर चलना। ओके भाई, दिल खुश कर दिया आज तो आपने। बहुत ही ज्यादा दिल। चलो मम्मी निकलते, ईदी तो मिल गई है। हाँ बस चले, यही अपना काम तो हो गया। पुप्पो हमारी ईदी। ओह हम तो भूल ही गए जी। पुप्पो हमारी ईदी। लिफाफे ना जरा महंगे हैं तो जरा संभाल के रखना। ये पुप्पो और चाची की तरफ से। ओके थैंक यू, चलते हैं हम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। लिफाफा खोल के देखो कितनी ईदी देके गई हो। देखती हूँ। सिर्फ 100 रुपया इतनी दी है पुप्पो ने। अब तो मैं तंग आ गया हूँ पुप्पो की चलाकियों से। देखो जरा चल गई हो बुढ़ी आपकी चाल। मैंने पता सी उन्हें अन्नी ईदी देके जानी है। हर किसी ने आपकी जेब बेच के ईदी देनी होती है। नहीं हो गए उनके पैसे, उन्हें जिन्हें दीती अल्लाह का शुक्र करो के ले लो। ये तो गलत बात है पापा, आपको पता है मेरे दोस्त की पुप्पो ने उसको 1000 रुपीज ईदी दी है। आपकी भेन 5000 ईदी दीती है, आपकी भरजाई ने भी 5000 ईदी दीती है, मैनु 2000। हालात नहीं ठीक। ਦੂਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾ 500 ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ, ਪਾਪਾ 500 ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੋਨ ਕੰਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਦੋਨੋ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪੁੱਪੋ ਦੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ ਮੰਮੀ, ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਪੁੱਪੋ ਕੀ ਯਹੀ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਪਾਪਾ, ਹਮੇ ਇਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। दिमाग ना खराब करो सारे मेरा। किसे तो नक तो चित्र नहीं पैन आले, चित्र तो आड़े सिर ते पैन आले ने। हर ईद ते हर फंक्शन ते पैन नु घर बुला छड़ देने ते एस बुड़ी तो मैं तंग आया पिया। आए दिन घर जाने तमाशा कीता हुंदा नवा। दिमाग खराब। सही खेल गया बैंच। मैं लड़ाई लड़ाई में पैसे तो सारे यहीं फेंक गई। oh, no. इधर मैं पैसे फेंक के गई थी, कहाँ है? तू उन पैसों का ये सामान ले आया? हाय अल्लाह, इस मुंडे का मैं की करा। तेरा पेट के लालच नाल परंदा ना नहीं ले रहा। स्यापा एक चीज बस बहुत बुरी लगी है। उंज कहते ने खुदकुशी हराम है, खुदकुशी हराम है, तेन माल जहाज फड़दा बंदूक ते गोली मार लेंगे। अल्लाह माफ करे, ते नाल आदी बुड्ढी ने भी मार देना। ते ऐसे खाने ने सानू ड्रामिया दे विच के आपस से गोलियां मार लो। निकल लो, मेरा मुंडा देखेगा ते की कहेगा, कुड़ी नहीं लभी ते कुड़ी पीछे गोली मार लो। ये ठीक है ना कलर? अब लग रहा हूं पूरा परिजन। मेनू बड़ा गुस्सा चढ़िया बाजी ओ सीन वेख के, मेरा दिल करे कुत्ती दे चंड मार के आवा। एड्डी जायदाद तेरे को, तू एक कुड़ी पीछे मार गया है। ले कुड़ियां मर गईयां ने। हां ते नाल आदी बुड्ढी नु भी, ते सारी जायदाद परिजन ना करे। अल्लाह सारी गल आ
छोटा भाई लग रहा हूँ। अब जल्दी से मूंछ लगा लेता हूँ और पापा के कमरे से उनकी शलवार कमीज पहन लेता हूँ। फिर आंटी के सामने जाऊंगा उनको इंप्रेस कर दे। भाई ऐसे देखिए आपका भी बेटा है माशाल्लाह से, आप कितनी अच्छी शख्सियत की हो। मैंने कभी आप में एटीट्यूड नहीं देखा माशाल्लाह। मेरी बाजी ये गुनाह है सारी चीजें। मैंने कोई कसर नहीं छड़नी, नाक कटा के ही रहेगा मेरा। बंदर जिया बाजी, मैं तो परीजा जैसा लड़का ही ढूंढ रही हूँ। मैं भी फातिमा के लिए ना कोई अच्छे से घर का रिश्ता ढूंढ रही हूँ। यूनिवर्सिटी क्लियर हो तो मैंने कहा निकले अपने घर को। बाजी इस तरह ही होता है, लड़कियों को ज्यादा देर घर नहीं बिठाना चाहिए, बेटियों को जल्दी रुख्सत कर देना चाहिए। अल्लाह बस इनकी नसीब अच्छे करे। हाँ, वो तो अल्लाह की बात है। हाय हाय हाय, मैं भूल गई बाजी, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। हाय बेटा, कोई काम है आपको? बेटा कुछ बोलो। मैं तो पहले डर ही गई, मुझे लगा सर्दियों में पता नहीं इतनी धूप सेक के आ गया। आंटी आपको एक शेर सुनाऊं? जी। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। अल्लाह माफ करे, इससे घटिया शेर मैंने आज तक नहीं सुना। चलो वो चिकन सैंडविच लेके आई है, मैं उन्हें आलू मुंगरे डाल देती हूँ प्लेट में, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आंटी आप इसे जानती हैं? हाय अल्लाह, ये तो अपना परीजाद है, मेरा फेवरेट। इसके जैसा नहीं लग रहा आंटी। बेटा आपका दिमाग तो नहीं खराब? मेरा परीजाद कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था उसकी ऐसी दौलत भी हो आपके पास। हाय उनके लिए बोतल भी डाल लो। आंटी मेरा यहाँ आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी का हाथ मांगना है। हाय मैं मान गई, मेरी बेटी दा रिश्ता। उठ ग्राइंडर उठ। ओए लूमड़ी की शक्ल वाली, कितना तैयार होगी? पापा नीचे बुला रहे हैं, ईदी देनी है उन्होंने। हाँ हाँ तू जा, मैं आ रही हूँ, मुझे पता है। जल्दी आ जा, तेरी वजह से मेरी ईदी भी रुकी हुई है। आ रही हूँ, मुझे पता है। जल्दी उतर नीचे। बाप ना बन मेरा, मुझे पता है। भाई बाप की जगह पर ही होता है। चल जाओ। चुड़ैल सी। ईद मुबारक, ईद मुबारक पापा। ओ खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह मेरे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों ही। पापा जी मेरी ईदी और मेरी ईदी। सबसे पहले आपकी मम्मा को ईदी मिलेगी। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। उसी तो मैंने उसे 2000 ईदी देती है, तुसी तो क्या सी 5000 रुपया ईदी दवांगा। बस इस दफा ना सेल अच्छी नहीं हुई, नहीं तो मैं तेनू 5000 ही देनी सी, फिर कदी ले ली। चलो कोई गल नहीं, 2000 भी बहुत है। और ये मिलेगी फातिमा को। थैंक यू सो मच पापा। हाँ तेरी तो। और ये ले तेरी ईदी। ये क्या बात हुई पापा, आपने तो प्रॉमिस किया था कि इस दफा मुझे 5000 दोगे। ये तो गलत बात है, उसको आपने 1000 रुपया दिए और मुझे 500। और वो बड़ी है इसीलिए उसको 1000 दिया है, तू छोटा है। यार पापा ऐसा कुछ नहीं होता, या तो उसको भी 500 दो या तो मुझे भी 1000 दो। लगता है बाजी दी कॉल आ रही। पापा फोन पे बात करना शुरू हो गए हो। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ तुसी आज। ठीक है ओके जी जी हाँ आ जाओ। यार ये तो गलत बात है, मुझे नहीं पता, मुझे और ईदी चाहिए। बड़ी हूँ ना तो सब ज्यादा ईदियाँ देते हैं। तेरे से तो ज्यादा ही। मुझे 500 ईदी नहीं चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पापा उन्हें 5000 ईदी देते और आपने 500 दिए। यार चल रो तो ना, रुक जा, मम्मा से ले ले थोड़े से पैसे। ये ले आज ईद है तो मम्मा से भी 400 रुपया ईदी ले ले और जा अय्याशी कर। ये ले। थैंक यू मम्मी, आपका लव अपना यार। तो जल्दी ना तैयारी फाड़ ले, बाजी ते पर जाइए आंडा है रात नु खाने ते। हाँ मैं उठने नहीं लगी, मैं कम वाली का वेट करन नहीं होने, क्या सी 4 बजे आ जावांगी।
हाँ जल्दी जल्दी कर ला बस। हाय अल्लाह आया तो पांच बजे पहले हले तक आई क्यों नहीं, लगता फिल्म करा गई ये बगैरत ने मेरे को पहले इदी ले ली सी। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया हेलो जानू कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी एकदम फिट। हाथ पकड़ाओ ना, थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं। तुम्हें रोमांटिक बातों की पड़ी हुई है? मेरे घर पे रिश्ते आ रहे, कुछ करो यार। मैं सबकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन प्लीज कुछ करो। क्या करूँ जानू? मेरी अम्मी को इम्प्रेस करो यार, और क्या करना है? मैं कैसे इम्प्रेस करूँ? खाली जानू जानू करने से कुछ नहीं होता। मैं तो अभी कुछ कमाता भी नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया, मैंने आज अपने हाथों से चिकन सैंडविच बनाया और अम्मी के हाथों तुम्हारे घर पे भिजवा रही हूँ, ठीक है? साथ चिकन सैंडविच खाना और मेरी अम्मा को इम्प्रेस करो प्लीज। ये ठीक है, चिकन सैंडविच भी खाऊंगा, आंटी को भी इम्प्रेस करूंगा और तुम्हारा हाथ भी मांगूंगा। हाँ इससे पहले कोई और ले जाओ, जाओ यहाँ। आ गया तू बाहर से फिर के, चल मुंह हाथ धो, रोटी सालन देती हूँ तुझे। मैं तो चिकन सैंडविच ही खाऊंगा। तेरे प्यो ने चिकन सैंडविच बनाया है? आलू मोगरे बनाया, चुप करके खा। मेरा चिकन सैंडविच आ रहा है। खबरदार तू बाजारों में मंगवाया कुछ, अल्लाह की तरफ से आ रहा है। तू पागल हो गया, ए मुंडा बारो फेर के आंदा है, एने ते होश नहीं टिकाने रहंदे। ये नहीं कि माँ ने आलू मुंगरे बनाया तो खा लूं। मैंने नहीं खानी आपकी सब्जी, पता नहीं क्या टोटके लगा के सारा दिन सब्जियां बनाती रहती हो, आलू मुंगरे, आलू चने, आलू गोश्त, आलू ये। घर की सब्जी तो इन्होंने नक ते नहीं पैंदी, घर की मुर्गी दाल बराबर। चिकन खाऊंगा, चिकन अपनी गंदी हुंदी सी चढ़ तकरा बना दे। मम्मी बाहर सासू माँ आई है। ओह नो। की? मेरा मतलब वो जो पांच छह मोहल्ले छोड़ के आंटी नहीं रहती, वो आई है। अच्छा वो बाजी आई है। कपड़े चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। लगता कोई घर पे नहीं है। वालेकुम सलाम, खैर खैरियत से आना हुआ। मेरी बेटी ने ना चिकन सैंडविच बनाया था, मैंने कहा चलो आपको भी टेस्ट करवा दो, हम सायों के भी कोई हकूक होते हैं। नहीं नहीं अच्छा किया आप ले आई, मैंने भी आज आलू मुंगरे बनाए हैं, आपको दूंगी। माशाल्लाह आपके हाथ में टेस्टी वैसे बहुत है। हाँ इसकी आखिरी किस्त देख रही हूँ, आज खत्म हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा बाजी, परीजात की क्या शख्सियत डाली है अंदर, मेरे तो बड़ा ही सोना लग गया मुंडा अंदर। माशाल्लाह मैं तो उसकी इतनी बड़ी फैन हुई बैठी हूँ परीजात की। ले मुझे खुद वो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर कितने लोगों ने उसका कितना बुरा किया, मजाल है उसने आगे केक भी जवाब दिया हो। उसने आजमाइशों का सामना किया ना, अल्लाह सबको इतना सबर दे। वाकई बंदे ने बड़ा सबर किया, उसके भाइयों ने इसके साथ क्या किया, अल्लाह माफ करे। तो बेचारे ने मुड़ के आगे से जवाब नहीं दिया। मैं तो ऐसे ना अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रही हूँ परीजात जैसा। हाँ हाँ घंटी बजे जंगल 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 जंगल। अच्छा किया, मैं भी फातिमा के लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही हूँ, बड़ा अच्छा है बाजी। मुझे तो उसकी क्या शख्सियत, आगे से बोलता तक नहीं, औरतों की कितनी इज्जत करता है। माशाल्लाह आजकल के दौर में ना ऐसे लड़के ही ठीक रहते हैं। ऐसे ही ठीक रहते हैं बाजी। चालाक तो बहुत हूँ, अब परीजात बनता हूँ और आंटी को इम्प्रेस करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही परीजात बनूंगा। कितना गंद मचाया हुआ इस फातिमा की बच्ची ने पूरे कमरे में। कोई ना ब्राउन सी फाउंडेशन देखता हूँ और लगाता हूँ, ऐसा ही बनूंगा, ऐसा ही। लगा रहे लड़के लगा रहे। बाजी दादू एक गल दसना भूल गई मैं। हाँ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ 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 ਉਹ ਫਨਾ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਸੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੋ ਗਰੀਬੋ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹਾ ਸਕੂਲ ਸੇ ਓਏ ਛੋਟੇ जी भाई स्कूल से वापस क्यों आ रहा है भाई स्कूल तो बंद है हमें फिर से छुट्टियां हो गई छुट्टी पड़गी ओए ओए नन्नी के जाऊंगा ओए ओए मजा आ गई ओए ओए नन्नी के जाऊंगा ओए ओए छुट्टी पड़गी ओए छुट्टी पड़ गई ओए ओए नन्नी के जाऊंगा ओए ओए मजा आ गया ओए 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 जोर का झटका हाय जोरों से लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा हाँ सजा न कर शादी ये बर्बादी फिर न पछताना मौका है पगले शादी से कट ले लखो दुखो की होती है ये वजह छुट्टी पड़ गई ओए ओए नन्नी के जाऊंगा ओए ओए मजा आ गया ओए ओए नहीं तू की डांस करदा अंडिया है तेरे प्यो दा दूजा ब्याह है स्कूल बंद हो गए है पहली बात है कि इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है मैं कहना सा एना ने यही हरकत करनी है स्कूल बुलाने ते उसके बाद छुट्टियां फीस लेनी थी उन्होंने मुझे तो लगता था दुनिया में सिर्फ सबसे ज्यादा चलाक फातिमा ही है ये तो स्कूल वाले भी बड़े चलाक निकले ते तो गया भी नहीं तो स्कूल तो बैग की तरह फेरा बैग में भाई फेंक गया हूं भाई रख के आया हूं बैग देखो ए तालीम की कदर है और बैग बाहर ही सुट आया मेनू पता है मुंडिया ने रल मिल के स्कूल बंद कराए ने पता नहीं की सोशल मीडिया से हैशटैग चलांदे ने स्कूल बंद करो तो शफकत मैं मुंह दे नक उते दम कीता हुंदा मैं देखिया ने तेरी टिकटॉक आ मैंने तो मम्मी मैंने थोड़ी ना स्कूल बंद किया मेरे पे क्यों डांट रहे हैं वो तो अपने बाप से बात कैसे कर रहे वे ये तो नहीं पढ़ाते कि माँ बाप से कैसे बात करते हैं हाँ तो इस्लामियात की किताब में नहीं सिखाते वालदैन के हकूक हमसायों के हकूक रिश्तेदारों के हकूक बस पुप्पी के हकूक नहीं सिखाते कल था मोबाइल बंद है मैनू फड़ा दें मोबाइल मम्मी ये तो गलत बात है मेरा मोबाइल क्यों रोंदा रोवे पिटदा पिटे चल नजरों के सामने से गायब हो ना ही करांदे काज कल